तस्वीर 1 जून 2016 की है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस तस्वीर का हर फ्रेम कुछ कहता है, आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है। मंच पर अखिलेश यादव मौजूद हैं, कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी बीच मंच पर पहुंचा अतीक अहमद। इस तारीख से पहले नेता अमूमन अतीक अहमद को गले लगा लेते थे, लेकिन 1 जून 2016 को ऐसा नहीं हुआ। अतीक मंच पर तो आया, अखिलेश की तरफ उसने हाथ भी बढ़ाए। अखिलेश ने अतीक का हाथ झटक दिया और पीछे धकेल दिया। अतीक ने दोबारा कोशिश की, अखिलेश ने फिर उसका हाथ झटक दिया और पीछे धकेल दिया। अतीक अखिलेश के गले पड़ना चाह रहा था और अखिलेश अतीक से गला छुड़ा रहे थे। इस तस्वीर को देखकर क्या समझ में आया आपको? अतीक और अखिलेश के बीच की ये दूरी बता रही थी कि अखिलेश को गुंडे, मवाली, माफिया और गैंगस्टर नहीं चाहिए। वो हार जाना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को गले लगाना नहीं। अब इस तस्वीर को देखिए, अखिलेश के साथ जबरन चार नामों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसा करने वाले लोग चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में हैं, अखिलेश को बदनाम करना चाहते हैं। हम आज फैक्ट के साथ बता रहे हैं, आज सच्चाई आपके सामने आएगी, राज खुलेगा और एक पार्टी का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। बाहुबलियों को लेकर कैसे आपको बरगलाया जाता है, हमेशा झूठ बोला जाता है और हमेशा जानबूझकर समाजवादी पार्टी को ही टारगेट किया जाता है। आज हर एक गंभीर बात बताएंगे, लेकिन पहले आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले क्या चल रहा है वो भी देखिए। कुछ लोग मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रजापति, डीपी यादव की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ जोड़कर दावा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को, दबंगों को अखिलेश नहीं पाला है। लेकिन आज लोग सच सुन ले एक एक फैक्ट के साथ। 2012 से पहले समाजवादी पार्टी की इमेज गुंडों की पार्टी वाली इमेज बनाकर रख दी गई थी, लेकिन 2012 के चुनाव में जैसे ही अखिलेश के चलने लगी पार्टी में, वैसे ही इस छवि से पार्टी को उन्होंने बाहर निकाला। अखिलेश ने दबंग डीपी यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल ही नहीं होने दिया। ये डीपी यादव को अखिलेश की खुली चुनौती थी। सबको लगने लगा कि अखिलेश के रूप में एक ऐसा नेता आया जो प्रदेश में गुंडाई मिटाने को लेकर बहुत सीरियस है, और हुआ भी वही। वही मुद्दा अखिलेश ने 2017 के चुनाव में भी उठाया। डीपी यादव पर आरोप था कि राजनीति में लाने वाले पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की ही उसने हत्या कर दी। इसके अलावा हत्या के कई और मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। यही नहीं, हरियाणा में उसकी शराब भट्टी से शराब पीने वाले 350 लोग साल 1990 के आसपास मर गए, क्योंकि शराब जहरीली हो गई थी। पुलिस डीपी यादव के खिलाफ चार्जशीट तक किसी मामले में प्रस्तुत नहीं कर पाती थी। कोई सरकारें डीपी यादव को जेल तक नहीं भिजवा सकती थी। पश्चिमी यूपी में राजनीतिक दलों की डीपी यादव जरूरत बनता चला गया था, लेकिन उसी डीपी यादव को अखिलेश ने पार्टी में शामिल तक नहीं होने दिया था। वो मुलायम से जिद पर अड़ गए थे, लेकिन डीपी यादव के लिए रास्ते बंद करके ही माने। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद शिवपाल यादव की वजह से डीपी यादव समाजवादी पार्टी के करीब आया। डीपी को मंच चाहिए था और शिवपाल को पार्टी के लिए एक दबंग छवि, तो दोनों का आसानी से मिलन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने डीपी को बुलंदशहर से टिकट दिया। वो धनबल और बाहुबल का दुरुपयोग कर आसानी से जीत गया, लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई थी। लेकिन उससे पहले साल 2004 में डीपी यादव पर बीजेपी मर मिटी थी। 2004 में बीजेपी के साथ आते ही डीपी यादव राज्यसभा सांसद बन गए थे। वहां से निकले तो फिर से समाजवादी बनने की फिराक में थे। अखिलेश ने सारी कोशिशों पर ही पानी फेर दिया। फिर आई बारी मुख्तार अंसारी की। मुख्तार की पार्टी के सपा में विलय को लेकर अखिलेश ने अपने ही परिवार में बगावत तेज कर दी, और ये बगावत इतनी बड़ी हो गई कि पार्टी ही टूट के कगार पर पहुंच गई। यानी अखिलेश को किसी भी कीमत पर बाहुबली और माफिया पसंद नहीं थे। यही हाल अखिलेश ने गायत्री प्रजापति के साथ किया। गायत्री प्रजापति के आरोपों और उसकी खराब छवि से अखिलेश यादव चढ़ने लगे थे। अखिलेश ने मुलायम का खास होने के बाद भी गायत्री प्रजापति पर रेप के आरोप लगते ही 12 सितंबर 2016 को कैबिनेट से हटा बाहर किया। ठेके पर पेंट और पुताई का काम करने वाले ने अपने काले कारनामों से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था कि अखिलेश की सरकार में ही अखिलेश यादव से बात करना आसान होता था, गायत्री प्रजापति से नहीं, क्योंकि गायत्री के ऊपर मुलायम का हाथ था। मुलायम के नजदीक गायत्री प्रजापति कैसे आया, इसके पीछे भी एक कहानी है। अमेठी में गायत्री से पहले समाजवादी पार्टी कभी उभरी नहीं थी, लेकिन गायत्री ने वहां समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। इसलिए अखिलेश सरकार में मालदार खनन विभाग गायत्री को मिला, लेकिन अखिलेश ने अपनी सरकार की छवि पर आंच नहीं आने दी और मुलायम के लाख मना करने पर मंत्रिमंडल और पार्टी दोनों से गायत्री प्रजापति को बाहर निकाल फेंका। एक और आंकड़े से समझिए,
अखिलेश कैसे गुंडे और अपराधियों से दूर भागते हैं और अब तक समाजवादी पार्टी की छवि को उन्होंने बचाए रखा है। अखिलेश ने 2017 के चुनाव में अमेठी से उस वक्त के मौजूदा विधायक गायत्री प्रजापति का पत्ता साफ कर दिया और अखिलेश ने गायत्री को समाजवादी पार्टी का टिकट ही नहीं दिया। अखिलेश के चेहरे को सामने रखकर समाजवादी पार्टी 2012 का चुनाव लड़ रही थी। पार्टी में अखिलेश का दबदबा बढ़ने लगा था। अखिलेश खुद एक युवा थे तो जाहिर सी बात थी कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने वाले थे। अखिलेश ने 122 हाईली क्वालिफाइड लोगों को और पहली बार चुनाव लड़ने वाले लोगों को टिकट बांटे। इनमें से 75% उम्मीदवार छात्र संघ की राजनीति करने के बाद मुख्य धारा की राजनीति करने आए थे। 40% महिलाओं को टिकट मिला। कहते हैं करीब 50 बाहुबलियों ने टिकट के लिए जोर आजमाया था। इस फिराक में थे कि अखिलेश की पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन अखिलेश ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्हें अपनी पार्टी में कोई दागी चाहिए ही नहीं था। अखिलेश लोहिया और गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।